अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रीवियसली भी मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें भी क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ, और आज की इस वीडियो में भी एक और बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देख लीजिए, ब्रीच जो हुआ था ना श्रीरंगपट्टनम फोर्ट के अंदर, जो किले के अंदर अंग्रेज़ दाखिल हुए थे, वो यहाँ से हुए थे। ये देखो, ये बीच में जो डिप्रेशन दिख रहा है ना ऐसे झाड़ों का, वो वहाँ की दीवारें गिरी हुई हैं। अंग्रेज़ों ने नदी के उस पार से तोपें चलाई थी और यहाँ की दीवार गिरी थी, और अंग्रेज़ों का एक्चुअली अंदर आने के लिए इशारा किया था। मीर सादिक ने यहीं पे कहीं खड़े होकर इशारा किया होगा कर्चिफ हिला के। मीर सादिक ने किया था या मीर सादिक का कोई चमचा था, वल्लाहु आलम, लेकिन मीर सादिक की तरफ से ही अंग्रेज़ों को इशारा किया गया था, ये तो कन्फर्म है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो इस पूरे रैम्पार्ट वॉल को देखो, यहाँ से वहाँ तक जो ये है ना स्ट्रेट, यहाँ पर जो सिपाही थे उन लोगों को मीर सादिक ने, क्योंकि मीर सादिक का दफ्तर कचहरी वहाँ थे, वहाँ मेरी जो उंगली दिख रही है ना वहाँ पे टूटे हुए बिल्डिंग्स हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोस में वो उन सबको दिखाऊंगा। इनफैक्ट क्योंकि ये ऐसी रिसर्च है कि ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, हमें बिट्स एंड पीसेस की तरह से इस पूरी रिसर्च को कंडक्ट करना होता है, क्योंकि पहले वहाँ जाना, जगहों का देखना, लेआउट देखना, फिर हिस्टोरिकल बुक्स में और हिस्टोरिकल मैप्स में इन चीज़ों के बारे में पता करना, फिर जाके एक कंक्लूजन पर पहुँचा जाता है। तो बहरहाल मीर सादिक ने यहाँ के सारे सिपाहियों को नीचे आने के लिए कहा ताकि वो लोग वहाँ आके तनख्वाह ले लें। मेरी उंगली जहाँ पे है, जहाँ पे देखो वो लड़के लोग जा रहे हैं, वहाँ पे आके तनख्वाह ले लें। तो ये सारे सिपाही जब वहाँ पे उतर गए तो ये जो ब्रीच था, ये ब्रीच एक दिन पहले हुआ था, यानी कि 3 मई की रात से पहले, 3 मई के दिन ये हुआ था ब्रीच। वहाँ से तोपें चला के अंग्रेज़ों ने इस दीवार को तोड़ दिए थे। तो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया 4 मई के दोपहर को। तो जैसे ही यहाँ से सिपाही नीचे उतरे और मीर सादिक के किसी आदमी ने अंग्रेज़ों को इशारा दिया, तो अंग्रेज़ यहाँ पे ना सारे ये नदी के जो पत्थर हैं वहाँ पे छुपे हुए थे, नदी में पानी तो था ही नहीं उस टाइम पे, और वहाँ से अंग्रेज़ निकले। अंग्रेज़ों का कॉलम जो लगभग कहा जाता है 4-5 हज़ार का था, यहाँ से एक कॉलम ऐसे आते हुए ऐसे डिवाइड हुए, यहाँ से देखो ऐसे एक गया कॉलम, ऐसे एक गया, तो ये दोनों कॉलम जाके एक कॉलम वहाँ पे हज़रत टीपू सुल्तान नॉर्थ गेट यानी वाटर गेट के पास, हज़रत टीपू सुल्तान की उनसे लड़ाई हुई इस अंग्रेज़ों के इस कॉलम के साथ, जिसमें डेविड बेड भी था, और वहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत हुई। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा इस जगह को लेकर। तो चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।